आपण आहे पंजाब मध्ये, आता आपण बघूया की कालवडी कशा तयार केल्या जातात पंजाब मध्ये। ते आता ते हिंदी मधील सांगतील कारण त्यांना मराठी भाषा येत नाहीये। आपण त्यांच्याकडून तरी पण जाणून घेऊया हिंदी मध्ये जे आपल्याला सांगतील ते। हे आहेत अजित डेअरी फार्म, हे तुम्हाला गाई खरेदी करून देतील, ज्या पंजाब मधल्या लोकल फार्मवर पण तुम्हाला पाठवून ते बघून तिथून गाई पण खरेदी करून देतात। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम और पूरा पता बताओ एक बार। मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी, गाँव हमारा सोत्रा पड़ जाता है, नवा शहर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में, लुधियाना से 40-45 किलोमीटर है हमारा। बछड़िया कैसे तैयार किए जाते तुम्हारे यहाँ पंजाब? देखिए हमारे फार्म चल रही, सिर्फ जो बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं वो फार्म ही चल रहे हैं अच्छे से, और वो ही कामयाब। जो बछड़ियाँ जिन्होंने तैयार नहीं की ना, वो फार्म बंद हो चुके हैं पंजाब के। तो यही गलती कोई और भी मन ना करे कि कई बार बोल देते हैं कि बछड़ी तैयार नहीं। हाँ ये जरूर है कि अच्छी गाय की बछड़ी तैयार करो, तब आपको ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि 20 किलो वाली गाय की भी बछड़ी उतने में ही तैयार होगी और 40 वाली की भी। तो जब आप मान लो कि जो 40 वाली की बछड़ी होगी वो 45 लीटर दूध देगी, वो उसका रेट होगा 1.5 लाख कम से कम, और जो 20 वाली तैयार करोगे वो 24-25 भी देगी तो उसका रेट होगा 60-70-75 हज़ार, तो खर्चा आ जाएगा 1-10। तो वो बछड़ी तैयार करने में 2 साल की मेहनत 3 साल की जाएगी, और जेब से 30-40 हज़ार एक एक्स्ट्रा जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। तो अच्छी गाय की पहले तो अगर बछड़ी तैयार करनी है तो अच्छी गाय की करो, जो नॉर्मली है वो दे दो, चाहे फ्री में दे दो। छोटा बच्चा किसी को 1 महीने का करके 15 में फ्री भी आप दे सकते हो, उसको तैयार करने का कोई फायदा नहीं है। ओके ठीक है जी। और जब एक को बछड़ी को दे के दूसरी लग जाती, सभी खाने 1 महीने में लग जाती है और पानी भी पिएंगी, कम से कम आप 3 से 3.5 महीने दूध पिलाओ। फर्स्ट मंथ में तो खाली 4 लीटर से लेके 5 लीटर दूध पिलाओ, दूसरे महीने में मानो कि उसको 6 से 7 लीटर पिलाओ, और तीसरे में 5 लीटर फिर कर दो, और 3.5 महीने के बाद धीरे धीरे करके बंद करो। ये नहीं है कि आज आप 6 लीटर पिला रहे हो और कल से बंद कर रहे हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर दूध बंद करना है ना, तो मानो कि आपको ऐसा करना होगा कि धीरे धीरे करके कम करना पड़ेगा। पहले एक टाइम कर दो, फिर 3 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 1 कर दो, और फिर बंद करना चाहिए। और बछड़ी को जो काफ स्टार्टर आता है 3 महीने में जितना खा सकती है, 3-4 महीने चाहे 5 महीने खिला दो, उसके पास ग्रोर डालनी पड़ती है, उसके पास हीफर ड्राई फीड आती है वो डालनी पड़ती है। तो बेस्ट यही होगा कि आपको अच्छी, अगर खुद फार्मूला बना सकते हो ज़्यादा पशु खुद बनाओ, नहीं तो कंपनी की फीड डालो, डाल के तो बच्ची 1 साल में आपका पैसा तो चलो जो भी लगेगा लगेगा, लेकिन वो जो घर की ब्रीड होगी ना उस पर आपको यकीन रहेगा। उसकी वैक्सीन करवाओ बछड़ी की 3 महीने के बाद, जैसे 6 महीने की हो गई या 5 महीने की ब्रूसीलोसिस की, उसकी वैक्सीन जरूर करानी चाहिए, तो फ्यूचर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती आपके फार्म में। और जो घर में आपके तैयार होगी ना वो दूध भी अच्छा देगी फर्स्ट में। मानो कि जो घर में तैयार होगी उसको कोई, आपको पता है कि आपके सामने तैयार हुई, इसमें कोई नुक्स नहीं है, आपका नुकसान नहीं होगा। घर जैसी किसी चीज में नहीं है, पैसे से भी ना घर वाली बात नहीं बनती। आप गाय चलो ले जाओ, लेकिन जो उसकी बछड़ियाँ हैं उसको जरूर तैयार करो, और बाद में उसकी AI के टाइम मानो कि 13 से 14 महीने कम से कम मेरे हिसाब से एज होनी चाहिए। तो वो अगर ज़्यादा ही उसके कम में ही पहली हीट में या सेकंड में लगा देंगे हीट में, हीट तो 9 महीने के बाद निकालना शुरू कर देती हैं, तो फिर वो गड़बड़ कर जाएगी, वो उतना दूध नहीं दे पाएगी। उसका वजन पूरा होना चाहिए, कम से कम 350 kg पे उसकी AI करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास बछड़िया किसी किसानों को लेना चाहते हैं तो आप दे सकते होगा, उसका क्या प्राइस होगा और क्या वेट होगा और कैसे लेना चाहते हो, क्या बोलोगे उसके बारे में? देखो मैं थोड़ा सा आपको खर्चा बता देता हूँ जो फार्मर का आता है। बाद में लोग बोल देते हैं कि ब्रीड है ना, जो थोड़ा पैसा तो जरूर लगेगा। मैं जो आपको जो बार बार बोलना चाहूँगा, किसी फार्मर के पास आप चले जाना सीधे, क्योंकि एक बछड़ी तैयार करने में आप मान लो कि हमारे पंजाब में 32 से 33 रुपये अभी दूध चल रहा है, ठीक है जी, कम से कम 22 से 23 हज़ार का तो मिल्क पी जाती है 3.5 से 4 महीने तक अगर मिल्क। तो सीमन के प्राइस होते हैं लगभग, अभी तो बहुत महंगी डोज हो गई है, मानो कि 4 महीने का जो हमारा आइडिया है वो 30 हज़ार का खर्चा आ जाता है बछड़ी पे, सीमन को भी डाल के दूध का। चलो एक बैग आप फीड का डाल लो तो हमारी कोई उसमें मेहनत नहीं होती, ना किसी कोई और चीज़ ऐड करते हैं। 30 हज़ार रुपये की बछड़ी तो 4 महीने की हो जाती है, और ज़्यादा खर्चा आता है पहले 10 महीने में।
10 महीने में जो ग्रोवर पड़ती है ना रोज की 2-2 किलो, फिर डेयरी प्रोटीन भी डालते हैं कंपनी के आते हैं, या फिर हमको हाई प्रोटीन देना होता है पशुओं को। मान लो कि ये आइडिया है कम से कम 10 महीने से 50,000 के आसपास बछड़ी तैयार होती है, अगर 1 रुपए का भी बेनिफिट ना रखे तो कई बार बंदे को कॉल आ जाते हैं कि बछड़ियाँ चाहिए जो AI के लायक हो। कई बंदे चाहते हैं कि रास्ते में कोई डर रहे होते हैं कि ये होता है, वैसे तो जो हम गाड़ियाँ बेचते हैं उसमें रेत डली होती है 1-1 फीट तक, गाय ऐसे जैसे हमारे फार्मों में घूमती है ऐसे ही पहुँच जाएगी। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी फुल पेपर वर्क के साथ, लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं कि वो खाली बछड़ियाँ मांगते हैं, लेकिन हमारे पास नॉन ब्रीड का तो कोई नामो निशान नहीं है कि हम आपको बोल दें कि अच्छी ब्रीड की दिलाएंगे आपको जिसको भी दिलाएंगे। तो आप मानो कि अगर अच्छी बछड़ी परचेज करनी है आपको कम से कम 40-50,000 जो फार्मर का खर्चा आया है एक साल की अगर लेनी है, खर्चा चाहे उससे ज़्यादा 60 के आसपास आ जाए, लेकिन इतना तो पैसा आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं झूठ बोल के आपको इधर उधर वाली बछड़ियाँ पकड़ा दूंगा तो एक साल बाद आप मेरे पास नहीं आओगे और बहुत मेरे को भी गलत शब्द बोलोगे ना। तो इससे अच्छा है कि पहले किसी को लेना ना लेना वो बाद की बात है, सच्चाई पे काम करना है, उसको बताना है कि इतना तो खर्चा आया, उसको समझ होनी चाहिए खुद। क्योंकि तो जब ना बंदा ये कई कह भी देते हैं कि मानो कि बछड़ी थोड़ी महंगी है, जब खुद तैयार करेगा बंदा अपने घर पे, जब खुद तैयार करेगा तो उसको रेट लगाएंगे कि इतने में दे दो, वो कभी नहीं देगा, वो 1-1 रुपया गिनाएगा। ऐसे ही फार्मर है कि वो बता देते हैं कि चलो यार इतना तो खर्चा आ गया, हम अपना पैसा नहीं कोई मांगते, कि जो खर्चा है वो तो देना पड़ेगा। ओके जी, ठीक है सर जी। तर शेतकरी बंधूंनो, यांच्याकडे कालवडी पण विकत मिळतील, त्यांना तुम्हाला जर कोणाला खरेदी करायची असतील तर स्क्रीनवरील नंबरवर संपर्क साधा। थँक्यू सो मच, धन्यवाद। थँक्यू सर, थँक्यू।